ठीक है, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है मोबाइल से ऐड रन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है फेसबुक ऐड के ऊपर, लेकिन जो पिछले वाली वीडियोस थी उसके अंदर मैंने बताया था कि आप कैसे लैपटॉप का यूज़ करके ऐड रन कर सकते हो, पीसी का यूज़ करके ऐड रन कर सकते हो। लेकिन वहीं पर हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कि मोबाइल ही है, लैपटॉप नहीं है। तो आप मोबाइल का यूज़ करके किस तरीके से ऐड्स रन कर सकते हो, ये आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा ए टू जेड बताने वाला हूँ। बेसिकली मोबाइल से अगर आपको ऐड रन करना है, आप दो तरीके से ऐड रन कर सकते हो। एक तो है कि आप क्रोम पे जाके अपने डेस्कटॉप मोड ऑन कर लो, वहां से कर सकते हो, और दूसरा है कि उसका एप्लीकेशन भी आता है, फेसबुक जो है अपना मेटा एड्स नाम का एप्लीकेशन भी देता है जिसके थ्रू भी आप एड्स लगा सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरीके के बारे में बताने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलते मोबाइल के स्क्रीन की तरफ एंड वहां पे देखते हैं कि किस तरीके से हमें जो है अपने अकाउंट के अंदर मोबाइल से ऐड लगाने होती है स्क्रीन की तरफ। एंड अभी मैं आपको लोगों को सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको जो है एड्स को रन करना है। तो हमारा जो एप्लीकेशन होता है मेटा एड्स, इसको आपको प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। देन इसको कर लेंगे हम ओपन, ठीक है। ओपन करने के बाद आपका जो फेसबुक अकाउंट होगा उसके थ्रू आपको इसको लॉग इन कर लेना है एंड फेसबुक पे जाके एक पेज क्रिएट कर लेना है। पेज क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, तो आप एक बार पेज क्रिएट कर लेना। उसके बाद आपको कहाँ से पेमेंट ऐड करना है वो मैं बता देता हूँ। सेटिंग में आना है, आपको पेमेंट्स के अंदर जाना है और यहाँ से जो है आपको अपने लिए पैसे ऐड फंड के ऊपर क्लिक करके पैसे ऐड करने हैं। जैसे आप ऐड फंड के ऊपर क्लिक करके पैसे ऐड करोगे, इसके अंदर पैसे ऐड हो जाएंगे, आपका अकाउंट जो है वो रेडी हो जाएगा ऐड रन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इस तरीके का आपका होम स्क्रीन का आता है। इसके अंदर जो है जो मैंने कैंपेन ऑलरेडी चलाए रखे हैं, ये सारे कैंपेन्स मेरे अंदर आ रहे हैं, आपके अंदर नहीं आएंगे। आपके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरीके का डैशबोर्ड होगा सर, ठीक है। सिंपल आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक कर लेना है एंड अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको जो है लिंक वाला ऐड कैसे लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पेज सेलेक्ट कर लेना है जो कि आपका सही वाला पेज हो, ठीक है। जैसे मेरा एक पेज है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। देन अभी मुझे चाहिए वेबसाइट ट्राफिक वाला, ठीक है, क्योंकि मुझे ट्राफिक ऐड लगाना है। मैं चाहता हूँ कि लोग लिंक के ऊपर क्लिक करके मेरे व्हाट्सअप पर आ जाए, तो हमें वेबसाइट ट्राफिक के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे हमें जो है वो सेलेक्ट चीज़ करनी है, फोटो या वीडियो जिसके ऊपर हमें ऐड लगाना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन है, अगर आपको इमेज पर लगाना तो इमेज सेलेक्ट कर लो, या फिर अगर आपको वीडियो पे लगाना है तो आप सिंगल इमेज के ऊपर क्लिक करके यहाँ से वीडियो को सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे मैं सिंगल वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से इसको कर देना है आपको रिमूव एंड यहाँ से आपके जो भी वीडियोस होंगे वो सारे वीडियोस आपको यहाँ पे आ जाएंगे जो कि आपने पेज के ऊपर अपलोड करे होंगे या फिर एड्स के लिए चलाए होंगे। तो इसमें से मैं ये एक मेरा ऐड वीडियो है जिसको कि मैं अभी फिलहाल के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। हेडलाइन के अंदर आप अपना नाम डाल सकते हो एंड प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर आप अपना नंबर वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ पे डाल रखा है ऑलरेडी, आप उसको पढ़ सकते हो। अब बात आती है कि भाई हमें वेबसाइट यहाँ पे डालनी होती है, तो हमारा जो डब्ल्यू व्हाट्सअप का लिंक होता है जो कि व्हाट्सअप बिजनेस से आप निकाल सकते हो, या फिर व्हाट्सअप लिंक क्रिएटर आप गूगल पे डालोगे तो वहाँ से आपका नंबर डाल के एक लिंक बनता है wa.link ऐसा, और इसके सामने स्लैश ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा व्हाट्सअप का लिंक है, इसके ऊपर मुझे ऐड लगाना है, तो हमने वो कर दिया। अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन के अंदर हमें जो है लर्न मोड को ही सेलेक्ट रहने देना है एंड देन नीचे आना है, थोड़ा सा प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक करना है। प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर। मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ से डेस्कटॉप को हटा देना है, क्योंकि हमें डेस्कटॉप पे ऐड नहीं चलानी है, हमें बस मोबाइल पे ऐड चलानी है, ठीक है। तो हम उसको डन कर देंगे। फेसबुक को भी यहाँ से आप क्लियर ऑल कर दो, क्योंकि हमें फेसबुक पे कोई ऐड नहीं चलानी है, हमें चलानी है इंस्टाग्राम पे ऐड, ठीक है। और यहाँ पे जो है ऑडियंस नेटवर्क में से भी आपको जो है अगर कुछ होगा तो वो भी हटा देना है। उसके बाद यहाँ पे है मैसेंजर के अंदर, तो मैसेंजर के अंदर स्टोरीज है उसको भी आपको हटा देना है एंड इसको कर देना है सही। अब बचा हमारा इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम के अंदर भी हमें बस जो है स्टोरीज पे चलनी देनी है, तो एक्सप्लोर और फीड को आप हटा दो और स्टोरीज पे जो है अपने एड्स को चलने देना है और यहाँ से कर देना है आपको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा कि आपका ऐड कैसे दिखने वाला है। देन करना है आपको नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा कि आपको किन लोगों को अपना ऐड दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से जो है मैंने ऑलरेडी जो है अपनी ऑडियंस बना रखी है जिसको कि आप सेव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक नई ऑडियंस बना के दिखाता हूँ। तो हमने क्रिएट ए न्यू ऑडियंस के ऊपर क्लिक कर लेना है, उसके बाद ऑडियंस का नाम दे देना है। तो ऑडियंस का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं दे देता हूँ टेस्ट YT, ठीक है। इंक्लूड अगर आप इंडिया के अंदर लगाना चाहते हो तो इंडिया के अंदर लगा सकते हो, अगर आप और सिटीज़ के अंदर लगाना चाहते हो सिर्फ तो वो भी आप लगा सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ सिटीज़ के अंदर या फिर इसी स्टेट के अंदर, जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ तो सिर्फ मुझे अगर महाराष्ट्र के अंदर भी ऐड चलना है तो वो भी मैं लगा सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है दिल्ली के अंदर ऐड चलना है सिर्फ दिल्ली के अंदर तो वो भी मैं लगा सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ मुझे दिल्ली मुंबई दोनों के अंदर ऐड लगाना है तो वो भी मैं लगा सकता हूँ। तो सिंपली एडिट के ऊपर आ जाइए। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी इंडिया को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं सिटीज़ के नाम डालता हूँ, जैसे मुझे मुंबई के अंदर चलाना है।
तो आ गया मुंबई। अब मुझे दिल्ली के अंदर चलाना है तो मैं दिल्ली सर्च करूंगा, तो यहाँ पे आ गया दिल्ली। यहाँ पे मुझे भोपाल के अंदर लगाना है तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा भोपाल, ये आ गया भोपाल। अब यहाँ पे मैं सर्च करूंगा एग्जांपल पुणे, तो यहाँ पे पुणे आ गया। मतलब आपको जहाँ जहाँ पे आपको टारगेट करने हैं वो आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। उसके बाद आती है एज, कि आपको किन लोगों को दिखाना है, उनकी एज क्या होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से 18 से लेके जो है 25 तक आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 30 करो। तो मैं अभी 18 से 28 कर रहा हूँ। जेंडर के अंदर ऑल है, इंक्लूड पीपल हु मैच, किन लोगों को दिखाना है, क्योंकि वो किस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप डाल सकते हैं कि वो स्टूडेंट होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टूडेंट्स बहुत जल्दी हमारे बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, एंड आप भी हो सकता है स्टूडेंट ही हो। ये मैं आपको अफिलिएट मार्केटिंग के लिए बता रहा हूँ। अगर आपका कोई अलग बिजनेस है, फिर अलग प्रोडक्ट है, तो आपको उसके हिसाब से ऑडियंस डालनी है। जैसे अगर आप कोई शूज सेल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे शूज डालना होगा। अगर आप कोई लैपटॉप सेल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे लैपटॉप एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक ऐसी चीज़ें डालनी होगी, ताकि जिन लोगों का इंटरेस्टेड है वो लोग बाय करें। तो भाई अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, इंडियन अफिलिएट मार्केटिंग, जिसके अंदर आपको कोर्स सेल करना है, तो उसके लिए मैं भी आपको ऑडियंस बता रहा हूँ। देन आपको यहाँ पे हायर एजुकेशन का आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे सजेस्ट भी कर देगा कि आप किन लोगों को वो टारगेट कर सकते हो, और यहाँ पे आप सर्च करके भी कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि फ्रीलांसर को भी मुझे टारगेट करना है, तो यहाँ पे फ्रीलांसर आ गए, हमने फ्रीलांसर को टारगेट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो है हम जो है बायजूस को टारगेट करें, जो लोग बायजूस के कोर्स खरीदते हैं उनको टारगेट करें, तो यहाँ पे आप बायजूस सेलेक्ट कर लो, है ना। इस तरीके से आप अपने हिसाब से ऑडियंस को सेलेक्ट कर लेना है, जिनको आपको ऐड दिखाना है। देन हम कर देंगे यहाँ से नेक्स्ट। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे एक्सक्लूड को ऑप्शन है कि आपको किन लोगों को नहीं दिखाना है, किनको दिखाना है ये हमने डाल दिया, किन लोगों को नहीं दिखाना है उनको हमें डालना पड़ेगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि अफिलिएट मार्केटिंग जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं वो लोग मेरे पास ना आए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो ऑलरेडी कर रहा है वो हमारे पास आके बस हमारा टाइम वेस्ट करेगा, साथ में यहाँ पे पैसे भी हमारे वेस्ट हो जाएंगे इसी वजह से। देन हमें करना है इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमारी ऑडियंस जो है वो बन चुकी हैं, एंड अभी हम कर देंगे इसको डन, ठीक है। अब हमारा लास्ट स्टेप आ चुका है, जिसके अंदर हमें बजट लगाना है। तो यहाँ पे आप लाइफ टाइम कभी मत कीजिएगा, डेली ही कीजिए। डेली के अंदर आप जो है 200 रुपये, 150 रुपये, 120 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे 200 रुपये मैंने रख रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा शेड्यूल का, कि आपको अभी से स्टार्ट करना है, कब से स्टार्ट करना है, नहीं रन एड जो है आपको कब तक रन करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई रन एड्स मेरी हमेशा चलता रहे, जब तक कि मैं स्टॉप ना करूँ, ठीक है। एंड ये स्टार्टिंग यहाँ से हो जाएगी, और यहाँ से मैं जैसे ही डन करूँगा यहाँ पे मेरी जो ऐड है वो रिव्यू के अंदर चली जाएंगी, और प्लेस ऑर्डर करते ही मेरे ऐड रिव्यू के अंदर चली जाएंगी, और 24 घंटे के अंदर ये ऐड जो है स्टार्ट हो जाएगी, एंड मेरे पास लीड्स आना स्टार्ट हो जाएगी। तो सेम चीज़ आप भी कर सकते हो, आप भी इस तरीके से एड्स रन कर सकते हो। एंड एक बात बता दूँ कि अगर आपके पास जो आपने बजट लगा है उससे कम पैसे होंगे, तो आपको पहले पैसे को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि ये बोल रहा है कि मैंने 200 रुपये पर डे लगाए हैं, और मेरे अकाउंट के अंदर अभी 190 ही रुपये है, तो ये बोल रहा है कि पहले पैसे ऐड करो फिर जाके ऐड रन होगा। तो आपको कम से कम एक दिन के प्लस GST लगा के जो है पैसे उसके अंदर ऐड करने हैं, तो फिर आपका भी ऐड स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर समझ आया होगा कि किस तरीके से आप मोबाइल से ऐड रन कर सकते हो। इसका एक नेक्स्ट पार्ट का वीडियो भी आएगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आपको जो है क्रोम पे जाके कैसे डेस्कटॉप मोड पे आप कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट बचे तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको मैं रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।